हर रिश्तेदार नहीं चाहते। अरे दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते, दुर्योधन भाई फिर हम तकरार नहीं चाहते। वो 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, जोरदार ताली के लिए होनी चाहिए, जोरदार ताली। आइए क्या बताते हैं, समझाते हैं। और दूसरी बात में दुर्योधन से यह बता दिया श्री कृष्ण भगवान ने, भाई दुर्योधन जो तेरा मन कर अपने चाचा के बेटों को वो दे दे, तेरी बात हरगिज भी नहीं टाली जाएगी। और दूसरी कली में भला क्या बता दिया, तेरे चाचा के बेटे हैं, इन्हें ज्यादा ना थोड़ा दे दे। तेरे चाचा के बेटे हैं, इन्हें ज्यादा ना थोड़ा दे दे। और हक से भी हक रे कम दे दे, ओ हक से भी हक रे कम दे दे। वो धन बेसुमार नहीं चाहते, अरे दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते।
होकर 100 रुपए का पुरस्कार एक छोटा बच्चा देकर गया था। उस बच्चे के लिए भी चाहूंगा एक बार जितने भी मेरे भगवान सुरभि जनता बैठी है जोरदार ताली साथियों, और बता दिया प्रेमी साथियों मेरी माता बहने भी बैठी है, वो श्री कृष्ण भगवान पिछले इतिहास को दोहराने लगे। भाई दुर्योधन जिसने भी अपने भाई के साथ में दगा की है उसका बहुत ही बड़ा प्रणाम हुआ है, और रामायण के बारे में दोहराते हुए श्री कृष्ण भगवान उस अहंकारी दुर्योधन को क्या समझाते और क्या बताते हैं। ठोकर लग के भक्त विभीषण राम शरण में आया था, ठोकर लग के भक्त विभीषण राम शरण में आया था, और घर का भेदी और लंका फूके सारा कुटुंब खपाया था, और उस रावण को दुनिया ने खड़ा हद से बुरा बताया था, उस रावण को दुनिया में सुन में जितने भी मेरे युवा भाई बैठे हैं जो अपने भाई के प्रति बुरी नियत रखते हैं उनके लिए मैं चेताना चाहता हूं, लास्ट कली में श्री कृष्ण भगवान उस अहंकारी दुर्योधन से बताने लगे, भाई दुर्योधन यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो इसका बुरा परिणाम होगा, और क्या बता दिया भला लास्ट में। जो ना मानी बात मेरी भाई शाही से मुझे जागा, जो ना माने बात मेरी हो शाही से मुझे जागा, हो लटन सिंहो भजन तुम्हारा तने बुराई दे जागा, और भाइयों का हक मार राजबल क्या छाती पे ले जागा, भाइयों का हक मार राजबल क्या छाती पे ले जागा, ओ लोक और परे लोक तेरे रे, लोक और परे लोक तेरे दोनों बेकार नहीं चाहते, अरे दुर्योधन भाई है हम तकरार नहीं चाहते, ओ दुर्योधन भाई जोरदार ताली, बहुत अच्छी बात रखी हमारे भाई उधम नागर जी ने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।